सुप्रभात। आज हम भाषा की चर्चा करते हैं। तत्पश्चात भाषा के अंतर्गत वर्ण, शब्द एवं पद की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है भाषा। मनुष्य भाव के में मनुष्य मन में भाव उठने वाले जो भाव होते हैं या विचार होते हैं, उनको हम कई तरह से प्रकट करते हैं। जैसे भूख लगने पर हम पेट की ओर इशारा करते हैं और मुंह की ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं। तो ये हमारे मन के भाव को, भूख लगने के भाव को प्रकट करता है। कुछ सीमा तक मन के भाव को हम संकेतों से समझा सकते हैं, परंतु सभी भाषा या सभी संकेतों को हम भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते। संकेतों द्वारा एक सीमित भाव ही प्रकट किए जाते हैं। इसी कारण बोलकर और लिखकर हम मन के भाव को प्रकट करने लगे, और यही जो बोलकर और लिखकर मन के भाव को प्रकट किया जाता है, इसी का प्रयोग हम भाषा में कर सकते हैं। तो भाषा की संक्षिप्त परिभाषा हुई कि मन के भावों को प्रकट करने और जानने का माध्यम ही भाषा है। अब भाषा के तीन प्रकार होते हैं, संकेत, सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम लिखित भाषा का प्रयोग जो है वह भाषा में, साहित्य में करते हैं। तो लिखित भाषा के लिए सबसे छोटी इकाई हम वर्ण को मानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण के बाद शब्द की रचना होती है, और शब्द के बाद फिर वाक्य की रचना होती है, और वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य। तो आज हम यहाँ पे शब्द को पद के रूप में कैसे बदलते हैं उसके बारे में जानते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह शब्द न रहकर पद बन जाता है, यानी व्याकरणिक नियमों से जब बंध जाता है तो वह पद हो जाता है। अब वाक्य में, किसी भी वाक्य में हम कई तरह के पदों का प्रयोग करते हैं, जिसमें संज्ञा शब्द भी हो सकता है, क्रिया शब्द भी हो सकती है, सर्वनाम शब्द भी हो सकता है, विशेषण शब्द भी हो सकता है। इस प्रकार जैसे हमने कहा, वह एक अच्छा लड़का है, अब वह शब्द जो है वह सर्वनाम शब्द है। इसी प्रकार से अच्छा शब्द जो है वह विशेषण के अंतर्गत आएगा, और लड़का शब्द जो है वह संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार है क्रिया है। तो आज हम पदों के भिन्न भिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। पद के मुख्य आठ भेद हैं। सबसे पहला भेद है संज्ञा, दूसरा भेद है सर्वनाम, तीसरा भेद है क्रिया, और उसके बाद चौथा भेद है विशेषण, पांचवा भेद है क्रिया विशेषण, और छठा भेद है संबंध बोधक, सातवां भेद है समुच्चय बोधक, आठवां भेद है विस्मय आदि बोधक। तो इस प्रकार आठों भेदों की चर्चा हम क्रमशः करेंगे। सर्वप्रथम पहला भेद हम लेते हैं। पहला भेद है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार है, किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी, भाव, दशा या स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम जानते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जैसा कि आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि संज्ञा के मुख्य तीन भेद होते हैं। सर्वप्रथम भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम संज्ञा के प्रथम भेद यानी
व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। अक्सर छात्र यह संदेह उन्हें अक्सर छात्रों के मन में यह भ्रम पैदा हो जाता है कि कोई व्यक्ति ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, परंतु ऐसा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य है किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाला शब्द। अब हम इसकी परिभाषा जानते हैं। जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के भाव का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन एक व्यक्ति का नाम है, कामधेनु एक विशेष प्रकार की गाय है, आगरा एक स्थान का नाम है, यमुना एक नदी का नाम है और हिमालय एक पर्वत का नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के ऐसे नाम होते हैं जिन्हें किसी दूसरे के लिए प्रयुक्त हम नहीं कर सकते। अब आपको कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, ताजमहल आगरा में यमुना के तट पर स्थित है। अब ताजमहल शब्द जो है वह कोई व्यक्ति नहीं है, यह एक वस्तु का नाम है। उसी प्रकार आगरा भी कोई व्यक्ति नहीं है, आगरा एक स्थान विशेष का नाम है। इसी प्रकार इस वाक्य का तीसरा शब्द है यमुना, यमुना एक नदी विशेष का नाम है। तो स्पष्ट हो गया होगा कि किसी व्यक्ति के नाम से ही हम व्यक्तिवाचक को नहीं जानते हैं, अर्थात जहाँ पे कोई विशेष नाम हो उसे हम व्यक्तिवाचक के नाम से जानते हैं। अब दूसरा भेद है, दूसरा उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। दूसरा उदाहरण है, हिमालय भारत के उत्तर में है, एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब आपने उदाहरण में देखा कि हिमालय एक पर्वत है, भारत एक देश है, एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी, एवरेस्ट भी सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है। ये तीनों शब्द ही कोई व्यक्ति नहीं है। तीसरा उदाहरण आपके सामने दे रही हूँ कि सुमन और विनीता ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया देखा। सुमन और विनीता ये दोनों ही व्यक्ति या इंसान है, परंतु मुंबई और गेटवे ऑफ इंडिया ये कोई स्थान, ये कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह एक स्थान है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने हल्दी घाटी के युद्ध में अद्भुत कौशल दिखाया। महाराणा प्रताप तो एक व्यक्ति हैं, पर चेतक और हल्दी घाटी कोई व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार इन उदाहरणों के माध्यम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किसी व्यक्ति का नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें कोई नदी, जैसे यमुना आपको उदाहरण में दिखा होगा, सुना होगा आपने, जैसे ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया आदि उदाहरण में आपको हमने बताया, आगरा, भारत, मुंबई, हल्दी घाटी, ये सारे ही एक विशेष नाम से प्रयुक्त, विशेष के नाम विशेषता लिए हुए प्रयुक्त किए गए हैं। इन सभी नामों का प्रयोग अन्य प्राणियों, किसी अन्य व्यक्तियों या किसी स्थानों के नाम के लिए नहीं किया जा सकता। ये एक विशेष नाम से जाते हैं, इनकी एक विशेष पहचान है। इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा भेद है संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को लेते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्तिवाचक किसी न किसी जातिवाचक वर्ग में का सदस्य अवश्य होता है। जैसे रमेश, सुरेश आदि मनुष्य जाति का बोध कराते हैं। उसी प्रकार हिमालय, हिंदू कुश आदि
पर्वत जाति का बोध कराते हैं। आगे गंगा यमुना ये नदियाँ हैं। अब आगरा और कोलकाता ये सारे नगर हैं। रमेश और सुरेश के अलावा अन्य मनुष्य भी हो सकते हैं। हिंदू कुश और हिमालय के अलावा अन्य पर्वत भी हो सकते हैं। गंगा यमुना के अलावा अन्य नदी भी हो सकती है और ये आगरा कोलकाता के अलावा अन्य नगर भी हो सकते हैं। अतः मनुष्य पर्वत नदी नगर ये सब किसी न किसी व्यक्ति स्थान अथवा वस्तुओं की जाति का बोध कराते हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ स्थान आदि के जाति सूचक नाम का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग अपनी जाति यानी वर्ग के अन्य प्राणियों व्यक्तियों स्थानों वस्तुओं आदि के स्थान पर किया जाता है, जैसे हिमालय हिंदू कुश विंध्याचल अरावली इन सब के लिए हम पर्वत जाति का यानी पर्वत जातिवाचक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार रमेश सुरेश महेश गणेश इन सब के लिए हम लड़का जाति का प्रयोग जातिवाचक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जातिवाचक संज्ञा एक प्रकार के प्राणियों वस्तुओं स्थानों और स्थानों आदि के जाति सूचक नाम का बोध कराता है। अतः अब स्पष्ट हो गया होगा कि किसी विशेष जाति को हम जैसे पर्वत है तो वो जाति सारे पर्वत जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे यदि उनका विशेष नाम ना हो, और यदि नदी है तो यदि विशेष नाम से ना पुकारा जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। और इसी तरह से स्थान भी यदि नाम विशेष से हम ना जानते हों तो वह भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जा सकता है। अब हम संज्ञा के तीसरे प्रकार के बारे में जानेंगे। संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। अब जैसे कि उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, अब उदाहरण के द्वारा आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि भाववाचक संज्ञा क्या है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, भारतीय सैनिक वीरता से लड़े। भारतीय सैनिक वीरता से लड़े। अब यहाँ वीरता शब्द क्या है? वीरता एक भाव दर्शा रहा है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, क्रोध मनुष्य का शत्रु है। क्रोध भी एक भाव है। इसके अलावा अगला उदाहरण है, वर्षा होने से चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। वर्षा होने से चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। यहाँ हरियाली शब्द भी एक भाव है। उसके बाद एक उदाहरण आपको देते हैं, उसकी ईमानदारी प्रशंसनीय है। उसकी ईमानदारी प्रशंसनीय है। यहाँ ईमानदारी शब्द एक भाव है। इसके बाद नदी एक उदाहरण है, नदी की गहराई बहुत अधिक है। नदी की गहराई शब्द भी एक भाव है। इसी तरह आज बहुत गर्मी है, गर्मी भी एक भाव है। इन सभी उदाहरणों के द्वारा आपको स्पष्ट हो गया होगा, ये सारे शब्द जो हैं किसी न किसी गुण किसी न किसी विशेषता किसी न किसी स्थिति या अवस्था का बोध
करा रहे हैं। अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब भाववाचक संज्ञा का संक्षेप में हम परिभाषा, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हम संक्षेप में जानेंगे। परिभाषा इस प्रकार है, किसी गुण, स्थिति, दशा, अवस्था, भाव या विशेषता का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक तथा आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को हम देख सकते हैं, हम स्पर्श कर सकते हैं, परंतु भाववाचक संज्ञाओं को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अर्थात भाववाचक संज्ञा न देखी जा सकती है और न स्पर्श की जा सकती है, बल्कि इन्हें केवल अनुभव के माध्यम से जाना जाता है। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, मुझे भूख लगी है। अब इस वाक्य में भूख को आप न देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, बल्कि भूख को आप मात्र अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार के जो शब्द होते हैं जिनके हम अनुभव कर सकते हैं, वे सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे चलते हैं। कुछ अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा में दो अन्य भेद भी लोग मानने लगे हैं। अर्थात कुछ विद्वान, कुछ व्याकरण अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो और भेद मानते हैं। उनके नाम हैं समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। आइए अब जानते हैं ये क्या है। समुदायवाचक संज्ञा उन्हें कहते हैं जो शब्द किसी वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। अंग्रेजी व्याकरण में ऐसी संज्ञाओं को समुदायवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कक्षा शब्द है, भीड़ शब्द है, झुंड शब्द है और समूह शब्द है, गुच्छा या श्रृंखला शब्द है। इन सभी को समुदायवाचक संज्ञा में रखते हैं। इसके पश्चात एक और भेद जो अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से लोग जानने लगे हैं, वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। उसकी परिभाषा इस प्रकार है, कुछ संज्ञा शब्द किसी अन्य द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं। ऐसी संज्ञाएं अंग्रेजी व्याकरण में द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानी जाती हैं। अब जैसे लोहा ही है, या सोना है, या घी, या तेल, या पेट्रोल आदि, ये सारे द्रव्य के अंतर्गत आएंगे। अब ये ध्यान देने की बात है कि संज्ञा के वे दोनों और दोनों जो भेद आपने अभी जाना, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ये अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण माने गए हैं। हिंदी में संज्ञा के इन दोनों भेदों को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं। मतलब अर्थात ये दोनों भेद हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही जानते हैं। इनका प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही करते हैं। अब तथा इन्हें संज्ञा का अलग भेद हिंदी में नहीं माना जाता। इन्हें अलग से संज्ञा का कोई भेद नहीं माना जाता, अर्थात इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत रख सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा को कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों को हम व्यक्तिवाचक की तरह प्रयोग करते हैं। वो कैसे, जैसे एक उदाहरण आपके सामने देते हैं। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
थे। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पंडित जी शब्द जो है वो जाति सूचक है, परंतु इस वाक्य में ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे पंडित शब्द जो है वह जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक माना जाएगा। अब एक उदाहरण और आपको देते हैं। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। अब नेताजी शब्द साधारण नेता जाति के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। यहाँ पे नेताजी शब्द से सुभाष चंद्र बोस का की पहचान है, नेताजी को के नाम से हम उन्हें जानते हैं। अतः यहाँ नेताजी शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, वह जातिवाचक नहीं है। अगला उदाहरण है, महात्मा जी ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यहाँ किसी महात्मा जाति के बारे में नहीं कहा गया है, महात्मा यहाँ पे गांधी जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः जातिवाचक न होकर के महात्मा शब्द यहाँ पे व्यक्तिवाचक है। इन उदाहरणों में प्रयुक्त पंडित जी, नेताजी, महात्मा जी मूल रूप से जातिवाचक शब्द है, परंतु इन वाक्यों में इनका प्रयोग विशिष्ट नामों के लिए किया गया है। जैसे आपने देखा कि पंडित जी का प्रयोग जवाहरलाल नेहरू जी के लिए किया गया है और नेताजी का प्रयोग सुभाष चंद्र बोस के लिए किया गया है और महात्मा जी का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए किया गया है। अतः ये तीनों जातिवाचक शब्द इन वाक्यों में व्यक्तिवाचक के तरह प्रयुक्त हुए हैं। अब आपको एक और विशेषता बताते हैं कि कभी कभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं, वो किस प्रकार करते हैं आइए जानें। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा शब्दों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं। अब भी देश में रावणों की कमी नहीं है। इस उदाहरण में रावणों शब्द जो है वह किसी है रावण व्यक्तिवाचक, परंतु यहाँ पे हम बुरे इंसान के लिए रावणों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये रावणों शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है, जयचंद्र के कारण ही भारत पराधीन हुआ है। यहाँ जयचंद की पहचान बुरे इंसान के रूप प्रतीक के रूप में किया गया है, अतः यहाँ जयचंद जो है वह व्यक्ति विशेष यानी व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक माना जाएगा। अगला उदाहरण है, वह तो विभीषण निकला, अपने लोगों को ही उसने धोखा दे दिया। यहाँ विभीषण शब्द जो है जातिवाचक व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ। अतः इन उदाहरणों ने आपने देखा कि रावणों, जयचंदों, विभीषण आदि शब्द मूल रूप से व्यक्तिवाचक हैं, परंतु यहाँ हमने रावण, जयचंद और विभीषण विशिष्ट नामों से इनको नहीं प्रयुक्त किया है, अतः ये व्यक्तिवाचक नहीं हैं, बल्कि ये विशेष गुणों के बोध के कराने के कारण यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं। अतः इनकी पहचान रावण जैसे अत्याचारी के रूप में, जयचंद जैसे देशद्रोही के नाम से और विभीषण जैसे विश्वासघाती के नाम से प्रयुक्त हुआ है। जब किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग
उसके गुणों को बताने के लिए किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का भी इस जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे भाववाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ये उसकी विशेषता है। पर जब कोई भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन के स्थान पर बहुवचन के में प्रयुक्त तो किया जाए, तो वह भाववाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। जैसे बुराई से घृणा करो, उसमें इतनी बुराइयां हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। उपयुक्त वाक्यों दोनों वाक्यों में बुराई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में यह एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, अतः वहाँ यह भाववाचक संज्ञा है। परंतु दूसरे वाक्य में बुराइयाँ के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः इस वाक्य में यह भाववाचक नहीं है, बल्कि जातिवाचक के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं को जब बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो वे जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। इस प्रकार आपने संज्ञा के बारे में जाना कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और किस तरह से संज्ञा को संज्ञा को कितने भेद होते हैं, मतलब संज्ञा के व्यक्तिवाचक को हम भाववाचक के भेद में कैसे बदल सकते हैं और जातिवाचक को किस प्रकार व्यक्तिवाचक बना सकते हैं। अब संज्ञा के मुख्य रूप से तीन कारक हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं। विकार, संज्ञा का विकार है सबसे पहला लिंग और दूसरा वचन और तीसरा है कारक। इन तीनों के बिना संज्ञा अकेले प्रयुक्त संज्ञा नहीं हो सकती है। संज्ञा के जिस शब्द से, अब लिंग के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि लिंग क्या है। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी अथवा वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति का होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द है घोड़ा, शेर, ऊंट, नर, पिता आदि। स्त्रीलिंग शब्द है घोड़ी, शेरनी, ऊंटनी, नारी आदि। इस प्रकार संज्ञा का दूसरा विकार का दूसरा है वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन माने संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उनके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। अर्थात वचन के भी दो भेद होते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, जैसे पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? अब संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का शब्द है, पुस्तक शब्द है, मेज शब्द है, नदी शब्द है। इन सारे शब्दों को एक वचन के अंतर्गत हम रख सकते हैं। अगला है, इसका दूसरा भेद है बहुवचन। बहुवचन शब्द संज्ञा का वह रूप है जिस रूप से उसके
एक से अधिक होने का पता चलता है। जब किसी संज्ञा शब्द से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के हैं, पुस्तकें, मेजे आदि। इस प्रकार वचन के दो भेद हुए, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब हम संज्ञा का तीसरा विकार यानी कि कारक के बारे में जानेंगे। कारक क्या है? कारक ही किसी शब्द को पद बना देता है। कारक का प्रयोग करके जब हम उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद बन जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जैसे संज्ञा परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध होता है, संबंध जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। इसे पुनः दोहरा रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। वाक्य में क्रिया को पूरा करने के लिए अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनके क्रिया के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं। इन्हीं संबंधों को व्यक्त करने वाले को शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे हमारे देश को सींचने वाली अनेक पवित्र नदियां हिमालय से निकलती हैं। अब हमारे देश को, ये को जो है वह कारक चिन्ह है, जो अगले शब्द सींचने वाली अनेक पवित्र नदियां हिमालय इतने शब्द को जोड़ रही हैं। अब हिमालय से निकलती हैं, से जो है एक वर्सर्ग है, कारक चिन्ह है, जो क्रिया निकलती है को जोड़ती है और इस प्रकार वाक्य बन जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, भारत में सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। भारत में जो है कारक चिन्ह है और धर्मों को भी कारक चिन्ह है। अतः आपको समझ में आ गया होगा कि कारक संज्ञा के का विकार, संज्ञा के विकारक जो तीन हैं यानी लिंग, वचन और कारक, इन्हीं से संज्ञा पूरी होती है और पद के रूप में इन्हें वाक्य में प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।